वाह, कितनी बढ़िया खीर बनी है। खीर बनाने के लिए मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 2 लीटर मैंने दूध लिया है, 1 कटोरी चावल लिए हैं। हम स्वादिष्ट और टेस्टी खीर बनाने वाले हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो दूध लिया था, इसको मैंने गर्म कर लिया था, सुबह मैंने लिया था। और इसके ऊपर मलाई, देखो कितनी अच्छी सी मलाई है इसके ऊपर। गैस को ऑन कर दिया और दूध को हमने अच्छे से गर्म करना है। दूध के ऊपर हमने ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना, अगर आप ढक्कन लगाते हो तो दूध में उबाल आने से दूध निकल जाता है। तो हमने ऐसे ही गर्म करना है दूध को अच्छे से। चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, दूध में भी उबाल आ चुका है। तो अब हमने चावल को दूध में डालना है। अब हमने बीच में कड़छी को चलाना है। हमने मीडियम आंच पे खीर को बनाना है, आंच को हाई नहीं करना। और खीर को हमने ढककर नहीं बनाना, खुले में ही हमने खीर को बनाना है। अगर आप खीर को ढककर बनाओगे तो दूध है जो वो बाहर निकलता है, तो इसलिए हमने खीर को बिल्कुल ढककर नहीं बनाना, खुले में ही हमने खीर को बनाना है। और बीच बीच में से हमने खीर को हिलाते रहना है। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, 1/4 चम्मच का। जब आप नमक डालकर खीर बनाते हो तो खीर का टेस्ट ही अलग बनता है, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी खीर लगती है, ज़्यादा मीठी मीठी नहीं लगती हमें। तो अब हमने मीडियम आंच पे इसे बनाना है और बीच बीच में हमने हिलाते रहना है। खीर है जो वो बढ़िया तरीके से बन रही है, देखो दूध में उबाल आ रहा है और दूध गाढ़ा हो चुका है। देखो खीर में कितनी बढ़िया खीर बन रही है। अब हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है, तो मैंने ये एक फ्राई पैन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी और ड्राई फ्रूट को हमने इसमें डालना है, फ्राई पैन में डालना है हमने ड्राई फ्रूट को। हल्का सा इसको हमने रोस्ट करना है मीडियम आंच पे बिल्कुल। फ्रूट रोस्ट हो चुका है, तो अब हम खीर में चीनी डालेंगे स्वाद अनुसार। आप जितने चावल लेते हो उतनी ही चीनी डाल सकते हो या उससे कम भी डाल सकते हो, जितना आप मीठा पसंद करते हो खाना उसी हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो। तो मैंने जितने 1 कटोरी चावल लिए थे और 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार मीठा डाल सकते हो। अब हमने 5-6 मिनट के लिए खीर को और पकाना है। 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट। अब हम डालेंगे किशमिश। बस 1-2 मिनट के लिए हमने खीर को और पकाना है। थोड़ी सी डालेंगे हम केसर की पत्तियाँ। केसर की पत्तियाँ डालने से खीर का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। खीर बनकर तैयार हो चुकी है, स्वादिष्ट और टेस्टी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खीर बनी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी, कितनी अच्छी खीर बनी है। आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप खीर को किस तरीके से बनाते हो। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।